Welcome everybody to this new lecture of our book Electronics Communication System. So in your syllabus it we write as Electronics P. So today we will continue our discussion about our topic amplitude modulation, and in our previous lecture we were discussing about this the band system of the amplitude modulation phenomena, and we have these three types of bands by the effect or by the use of amplitude modulation. And when we use amplitude modulation, then this type of resultant wave we have given by equation number fourth, then in accordance to equation number fourth, this equation has three terms, the first, second and third. So equation number fourth, we have three terms. The first term EC cos omega t CT represent original carrier voltage, this carrier voltage, and this term MEC by 2 cos omega C plus omega M, omega C plus omega M represents the upper side band, and MEC by 2 cos omega C minus omega M, omega C minus omega M T represents the lower side band. And these side bands we have received when we plot the amplitude versus frequency graph. Okay, तो इन साइड बैंड्स में के बारे में जो हमने इंफॉर्मेशन अभी तक इकट्ठी की है वो ये है कि करियर का जो बैंड है, इस करियर के बैंड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जबकि इसका जो एनर्जी कंसिड्रेशन है, यूजेज ऑफ एनर्जी आप इसे कह सकते हैं, पावर कंसिड्रेशन आप कह सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा है, यानी पावर कंजप्शन इसमें सबसे ज़्यादा है, जबकि इंफॉर्मेशन इसमें कुछ नहीं है. और हमारा जो ये पूरा जो हम काम कर रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, ये कर रहे हैं हम फॉर द ट्रांसमिट और इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस और सिग्नल्स. तो यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, करियर केवल एक साधन है, एक ऐसी वेव है जो मॉडुलेटिंग वेव या उस सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है. तो हमारा जो मेन पर्पज है या मेन ऑब्जेक्ट है, इन साइड बैंड्स में छुपी हुई इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करना है. तो ये हमें जरूर चाहिए, पर करियर की जो वेव है जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी को कंजप्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस बैंड सिस्टम, उसमें इंफॉर्मेशन भी नहीं है और एनर्जी कंजप्शन सबसे ज़्यादा है. तो कम से कम हमें ये करना पड़ेगा किसी न किसी मेथड से. आगे चलकर जब हम इसमें एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन वाले चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि हमारे पास आगे फिर कुछ ऐसे हमने मेथड्स को डेवलप किया जिसकी वजह से हमने इस करियर की जो बैंड था इसको यहाँ से रिमूव किया. और इवन इनमें से दो जो बैंड पास हैं हमारे पास, लोअर बैंड पास, लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड, इनमें से भी हमने एक को रिमूव कर दिया. आगे चल के हम इसमें इस तरह के जो मॉडुलेशंस के अदर फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो कुल मिला के यहाँ ये बात थी कि करियर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन या तो लोअर साइड बैंड में है या तो फिर अपर साइड बैंड में. तो करियर वोल्टेज को, करियर वेव को रिसीव करना, ये एनर्जी कंजप्शन को बढ़ाता है या फिर पावर डिसिपेशन को भी आप इसको कह सकते हैं बढ़ाते. तो ये एक ड्रॉबैक है एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन का. आज का लेक्चर शुरू करते हैं और इसमें आप ये देखेंगे कि किस तरह से हम इस वेव को आगे, जो वेव फॉर्म्स हैं रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं, और सेकेंडली परसेंटेज ऑफ मॉडुलेशन क्या हो सकता है, और फिर हम बात करेंगे पावर डिसिपेशन की. ओके, सो एज कंपेयर टू द करियर वेव, दैट्स व्हाई एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वे और मेथड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन. सबसे एब्सेंट या बहुत अच्छा एक मेथड नहीं है एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन कन्वे द इंफॉर्मेशन. ओके, वेव फॉर्म्स की बात कर लेते हैं. इस तरह की वेव फॉर्म में हमारे पास मॉडुलेटिंग सिग्नल रहता है. ये फॉर्म है मॉडुलेटिंग सिग्नल की, EM इक्वल्स टू EM cos omega MT वर्सेस T ग्राफ. सो दिस इज द फॉर्म ऑफ
modulating signal, the signal which included or which have the information or signal. So this is the electrical signal which convert by the microphone into an electrical signal, although this is a sound signal initially, or maybe voice signal. Voice sound signal is same. And this is the graph of carrier wave. You see that frequency of carrier wave is much more higher than as compared to the modulating signal frequency. This has one cycle completed here, and look at the cycle here that completed by the carrier wave. So this wave has much more or very high frequency wave. That's why this wave is named as carrier wave. Carrier means carry the modulating signal. The wave which carry the modulating signal. That's why it's named as carrier wave. And when these two waves are superimposed on each other, the final form of the wave is like this. That is the, you look at here at this, this is the modulating signal EM equals to EM cos omega MT, and this is the carrier wave signal, that is EC equals to EC cos omega CT. And when these two waves are superimposed to each other, suitably superimposed to each other, this type of wave is the final form of superimposition of these two waves. That is, the final form of the wave is E equals to EC 1 plus MA cos omega MT cos omega CT. This is the final form of the wave, and versus T graph. So this is the final wave. This is the modulating signal, and this is the carrier wave. These are superimposed upon each other. Okay. So from figure C, from this figure, that is MAEC is equals to Emax minus EC. What is Emax? What is EC? What is MAEC? Look at here. This is the Emax, that is the maximum amplitude of the final wave or modulating wave. This is the modulated wave actually. So this is the maximum amplitude of the modulated wave. EC is the amplitude of the carrier wave, and E minimum is the minimum amplitude of this modulated wave. What is MAEC? This is the product which is equals to KAEM and which is equal to this. So from figure C, MAEC, this contribution is equals to Emax minus EC. अगर Emax में से इस quantity में से आप EC को subtract कर दे, चूंकि EC इसके भी बराबर, तो EC इसके भी बराबर होगी, इस gap के बराबर EC है। यहाँ से look at here, यहाँ से यहाँ तक ये Emax है, यहाँ से यहाँ तक ये gap EC है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी gap क्या होगा? EC. अब Emax वाले gap में से अगर आप EC वाला gap यहाँ subtract करें, तो किसके बराबर आएगा? MAEC के, इस gap के बराबर आएगा. That's why we write as MAEC is equals to Emax minus EC. Emax minus EC, which is equals to MAEC. Or MA equals to, the value of MA from here is MA equals to Emax minus EC over EC from the left hand side to the denominator of the right hand side. So this is equation number fifth. And MAEC equals to, also equals to EC minus E minimum. हम EC minus E minimum से भी MAEC को represent कर सकते हैं. And from here, the value of MA is equals to EC minus E minimum over EC. This is equation number sixth. Then look at equation number five and look at equation number six now. So the left hand side of the equation number five and the left hand side of equation number six is same. MA, and the right, because the left hand side of equation number fifth and left hand side of equation number sixth is same, then we can simply equate equation number right hand side of equation number fifth and equation number six. Again, I repeat, because the left hand side term of equation number fifth and equation number sixth is same, MA,
That's why we simply equate the right hand side of these two equations. Okay, when we equate these, the right hand side of these equation, we have E max minus EC is equals to EC minus E minimum. Then this negative EC when onto going onto the right hand side, that results into 2 EC, and E minimum is on the left hand side, and E max already positive, E minimum going onto the left hand side gives you E minimum. So E max plus E minimum, that is equals to 2 EC. That's why EC is equals to E max plus E minimum by 2. This is the first result, EC, the amplitude of the carrier wave. On putting the value of EC into equation number 5th, equation number 5th mein aap ise put kar dijiye. Equation number 5th is tarah ki equation thi. That is, yahan se hamare paas agar hum EC ki value yahan put karenge, to hamare paas yahan value aayegi MA ki. That is the modulation index. Look at here. What is MA? Here. What is MA? MA is equals to KAEM by EC is called as the modulation index, and when this modulation index is multiplied by 100, it gives you the percentage of modulation. It gives you the percentage of modulation. So on putting the value of EC into equation number 5th, we have MA equals to E max minus E minimum over E max plus E minimum. On putting the value of EC into equation number 5th, then multiply this quantity by 100, we can get the percentage of modulation. So percentage of modulation is equals to E max minus E minimum over E max plus E minimum multiplied by 100. This quantity multiplied by 100 gives you the percentage of modulation. Gives you the percentage of modulation. Okay. So modulation wave with various degree of freedom, what degree of modulation. So modulated wave is expressed as E equals to EC 1 plus MA cos omega MT cos omega CT, where MA is equals to KAEM by EC. Ye hum sab padh ke aaye hain. Is modulation index, and its value ranges from 0 to 1. Iski value kahan se kahan range karti hai? 0 se 1. Kiski value? MA की वैल्यू. और MA की यही वैल्यू जो 0 टू 1 वेरी करती, यही हमें देगी परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन. यही हमें बताएगी परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन. सो इफ इन द फर्स्ट केस इफ MA इक्वल्स टू 0, देन देयर इज नो मॉड्यूलेशन. नो मॉड्यूलेशन मींस टेक्स प्लेस एंड रिजल्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द मॉड्यूलेटेड वेव इज, बिकॉज व्हेन वी पुट MA इक्वल्स टू 0 हियर इन दिस इक्वेशन, then this equation be the resultant wave, that is the modulated wave, is equals to E equals to EC. Because MA equals to 0, then this term will be equal to 0, and cos omega CT is multiplied by 1 gives you the final expression of modulated wave as E equals to EC cos omega CT. So the final expression of the modulated wave is E equals to EC cos omega CT, represent pure carrier wave. Represent pure carrier wave. That is no modulation here. If MA equals to 0, that is modulation. If modulation index is equals to 0, then this means there is no modulation takes place, and we have left with only the carrier wave. The carrier wave. Okay. If MA equals to 0.5, MA equals to 0.5, that is 50% of modulation takes place. Because when MA is multiplied by 100, so if 0.5 is multiplied by 100, gives you 50, and that is the value of in percentage. That is, if MA equals to 0.5, then this means this value 0.5 suggests us that there is 50% of modulation takes place. 50% of modulation takes place here. Okay. So, and the third case is, if MA equals to 1, then if you multiply 1 by 100, gives you the 100%. 100% modulation takes place,
that is at the negative peaks of the modulating signal, negative peaks of the modulating signal, carrier amplitude reduced to 0. Carrier amplitude kya ho jayega? 0 ke barabar aa jayega. Carrier amplitude is equals to 0. That means EC is equals to 0. And when the fourth one is, when MA is greater than 1, अगर MA की वैल्यू जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसकी वैल्यू एक से बड़ी हो जाए तो द केस ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन, दिस इज द केस ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन, फॉर सच अ केस एक्सप्रेशन ऑफ ई इज नो लॉन्गर वैलिड, द एक्सप्रेशन ऑफ ई इज नो लॉन्गर वैलिड. अगर MA की वैल्यू एक से ज्यादा हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने सजेस्ट आपको पहले किया है, बिकॉज वेयर एम ए इज इक्वल टू दिस एंड इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. लेकिन फिर भी हम एक ओवरकम केस को स्टडी कर रहे हैं दैट इफ एम ए इक्वल्स टू एम ए इज ग्रेटर देन 1, देन दिस द केस ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन, दिस द केस ऑफ ओवर मॉड्यूलेशन. फॉर सच अ केस एक्सप्रेशन ऑफ ई इज नो लॉन्गर valid, that at the negative peaks of modulating signal, no modulated wave exists, and thus such a case results in a distortion of intelligence that is being transmitted. तो ये तो हम कर ही नहीं सकते. Distortion of intelligence अगर हो गया, जिस intelligence को हम convey करना चाहते, अगर उसी का distortion हो गया, तो फिर इस पूरे process का कोई अर्थ नहीं रह जाता. जो हम communication system में modulation वाली phenomena को study कर रहे हैं, इस process में फिर मॉड्यूलेशन का कोई अहमियत नहीं आ रहा है. अगर इंटेलिजेंसी क्या हो गई, डिस्टोर्टेड हो गई, तो इससे बचना है कि एम ए की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल्स टू, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. सो दीज आर द केस, डिफरेंट केसेस ऑफ परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन. द वैल्यू ऑफ एम ए इज रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, एंड अकॉर्डिंग टू दैट देर इज डिफरेंट केसेज ऑफ मॉड्यूलेशन, मे बी 0%, 10%, 20% एंड अप टू 100%. So these are the special cases of modulation, modulation index, and according to that, these are the case of percentage of modulation. Okay. Now look at another topic in our syllabus, that is a power consideration among the three components of amplitude modulated wave. अब power consideration को, चूंकि ये देखिए, कोई भी अगर हम communication system में हम कोई भी इफेक्ट, कोई भी किसी भी, देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने के लिए हमारा जो सबसे पहला एम रहता है वो रहता है कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, एंड सेकेंडली द साइज ऑफ द इक्विपमेंट. तो अगर इन दोनों का, और तीसरा जो इसमें फैक्टर वर्क करता है वो वर्क करता है एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंट. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, आप देखिए पहले हमारे पास बल्ब थे, आजकल हमारे पास एलईडी बल्ब थे, पहले हमारे पास टेलीविजन थे, फिर एलसीडी आया, आजकल एलईडी है. तो कॉम्पैक्ट साइज हो गए हैं, पहले बहुत बड़े साइज का हमारे पास कंप्यूटर थे, फिर हमने उस कंप्यूटर को रिड्यूस किया, एक जनरल पीसी बनाया, पीसी से अभी हम लैपटॉप पर, लैपटॉप से भी आगे हम फिर टैबलेट्स की तरफ गए हैं. तो कॉम्पैक्ट साइज को साइंस ने हमेशा एक्सेप्ट किया है. और सेकेंडली कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, एंड थर्ड वन इज द एनर्जी एफिशिएंसी. तो ये जो पावर कंसिडरेशन वाला टॉपिक अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये पावर कंसिडरेशन दिखाएगा कि जब हम ये पूरा प्रोसेस मॉड्यूलेशन के फिनोमिना में स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस पहले दिन से करते हुए आ रहे हैं कि क्यों हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत हुई, ये प्रोसेस है क्या, ऐसी कौन सी आवश्यकता थी कि हम ओरिजिनल सिग्नल को ही डायरेक्ट कन्वे क्यों नहीं कर सकते थे, ऐसी कौन सी समस्या थी. तो समस्या बहुत सारी थी, क्योंकि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो आपने ये स्टडी करके आए हैं कि फ्रीक्वेंसी जो 1 मेगाहर्ट्ज की जो वेव है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है, उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर आपको कन्वे करना है तो अप्रोक्सीमेटली 15 या 16 मीटर का आपको एंटीना चाहिए था. फिर जो अगर 20 किलो हर्ट्स की एक फ्रीक्वेंसी की वेव को आपको अगर कन्वे करना है एक जगह से दूसरे, और विदाउट मॉड्यूलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो
5 किलोमीटर लेंथ का एक एंटीना चाहिए उसको रिसीव करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। तो बहुत सारी ये प्रॉब्लम थी, साइज ऑफ एंटीना, मिक्सिंग ऑफ साउंड, कांस्टेंट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज ऑफ द मॉडुलेटिंग सिग्नल, ये सब बातें। तो ये सब बातें जब नहीं हो पा रही थी और मैसेज सही तरीके से सही फॉर्म में कन्वे नहीं हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही थी, तो उस एनर्जी को एफिशिएंसी को, उस एनर्जी उस वर्क को एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए हम प्रोसेस को लेके आए मॉडुलेटिंग, मॉडुलेशन। और मॉडुलेशन में हमने कहा कि तीन तरह से हम किसी भी वेव को मॉडुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। या तो आप उसका एम्पलीट्यूड बदल दीजिए, या तो आप उसके फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाइड कर दीजिए, या तो उसके फेज को मॉडिफाइड कर दीजिए। इन तीनों में से आप सेलेक्ट कर लीजिए आप क्या करते हैं। तो अगर आप उसके एम्पलीट्यूड को मॉडिफाइड करते हैं तो एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन होगा, अगर आप उसके फ्रीक्वेंसी को मॉडुलेट करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन हो गया, और अगर आप उसके फेज को ऑल्टरेट करते हैं, अल्टरेट करते हैं, तो फिर वो फेज मॉडुलेशन हो गया। तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं आज पावर कंसिडरेशन की, कि एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, अभी हम केवल एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन के ऊपर बात करें, बाकी जब हम एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन के बहुत सारे फैक्टर से रूबरू हो जाएंगे फिर हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन पे। ओके, सो पावर कंसिडरेशन अमंग द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव। हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव जो इक्वेशन नंबर 4 हमें देती है, और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ये एक ओरिजिनल सिग्नल, ये बहुत प्रैक्टिकल बुक है, प्रैक्टिकल इतनी बुक है कि ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इतनी प्रैक्टिकल बुक है कि आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, पीसी को यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम से आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आपके चारों तरफ टावर्स हैं, एंटीनाज हैं, तो ये सभी तो हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इन सब से पावर कंसिडरेशन जो इक्वेशन ऑफ जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म है उस सिग्नल की, किस सिग्नल की, उस मैसेज की जो हम कन्वे करना चाहते हैं, और कन्वे कौन सा मैसेज करना चाहते हैं हम, जो मॉडुलेटिंग सिग्नल है हमारा, मॉडुलेटिंग सिग्नल है। करियर वेव को हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, करियर वेव एक साधन है, करियर वेव एक सवारी है, करियर वेव एक व्हीकल है, किसके लिए, मॉडुलेटिंग सिग्नल के लिए। उसको उसकी मॉडुलेटिंग सिग्नल को करियर वेव की सवारी करनी है और एक जगह से दूसरी जगह किसी डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जाना है। तो पावर कंसिडरेशन हमें देखना है। तो एक्चुअली जो मैसेज था हमारा वो मॉडुलेटिंग सिग्नल में था, और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया माइक्रोफोन ने, और माइक्रोफोन का वो मैसेज अब इक्वेशन नंबर 4 बन चुका है बाय द सुपर इम्पोजिशन ऑफ करियर वेव एंड द मॉडुलेटिंग वेव। तो जो इक्वेशन नंबर 4 के तीन पार्ट हैं, हमारे पास तीन कंपोनेंट हैं। पहला है करियर वेव, करियर जो बैंड सिस्टम हम पढ़ के आए, एक है लोअर बैंड, एक है लोअर बैंड, एक है अपर बैंड, और दूसरा है करियर बैंड। तो पावर कंसिडरेशन हमें देखना है तीनों, जो तीन कंपोनेंट एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव में है। ये देखिए यहाँ एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव, ये तीन कंपोनेंट है हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव में। ये तीन कंपोनेंट है ईसी कोस ओमेगा सी टी प्लस एम ए ईसी बाई टू कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, एम ए ईसी बाई टू कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। दिस इज द टोटली इलेक्ट्रिकल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 इट इज। सो जब हम एम्पलीट्यूड को फ्रिक्वेंसी वर्सेज ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक अपर साइड बैंड आता है, एक करियर बैंड आता है, एक लोअर साइड बैंड आता है। तो अब हमें ये सीखना है, जो टॉपिक अभी हम स्टडी करने वाले हैं, कि इनमें पावर कंसिडरेशन किस तरह से, कितना पावर कंजप्शन किसने किया, अपर साइड बैंड ने कितना पावर कंजप्शन किया, लोअर साइड बैंड ने कितना पावर कंजप्शन किया, करियर बैंड ने कितना, या मिडिल बैंड आप इसे कह सकते हैं, मिडिल बैंड ने कितना पावर कंजप्शन किया, ये हमारा आज का टॉपिक है। पावर कंसिडरेशन हमें सीखना है टू द डिफरेंट और थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव, दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 4। द वोल्टेज कंपोनेंट कंटेंट इन द वेव गिवन बाय इक्वेशन नंबर 4 हैव आरएमएस वैल्यूज एज एक्स्ट्रा। ईसी की जो आरएमएस वैल्यू होगी √2 होगी, एम ए ईसी की जो आरएमएस वैल्यू होगी 2√2 होगी, और एम ए ईसी की जो जो थर्ड कंपोनेंट है उसकी जो वोल्टेज कंपोनेंट है जो उसकी जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी। चूंकि ये 1/2 है, ये कोस का एवरेज वैल्यू है, कोस वाली जो टर्म वहां लगी हुई है, दिस टर्म,
कॉस की जो टर्म लगी है यहाँ, ये वाली टर्म, इसका एवरेज वैल्यू है 1/2। और एम ए इसी बाई टू का अगर आप आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करें तो रूट टू, आप अल्टरनेटिंग करंट को जब स्टडी करते हैं तो वहां आपने बहुत बार आरएमएस वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखा है। आरएमएस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले जो एवरेज वैल्यू है उसका स्क्वायर करते हैं, और जो स्क्वायर से हमें पास वैल्यू मिलती है उसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो उससे हमारे पास क्या आ जाती है, आरएमएस वैल्यू आ जाती है। तो जो आरएमएस वैल्यू यहां हमें फाइंड आउट हुई है वो कुछ इस तरह की है। पहला कंपोनेंट जो करियर कंपोनेंट है उसकी जो आरएमएस वैल्यू है वो है ईसी बाय रूट टू, जो दूसरा कंपोनेंट है उसकी वैल्यू एम ए ईसी टू रूट टू, एंड थर्ड कंपोनेंट इज एम ए ईसी बाय टू रूट टू, ओके respectively. Therefore, when such a modulated wave having these three components is impressed upon some resistance R, then the total power dissipated as. जब इस तरह के component आप किसी भी resistance R से pass out होते हैं तो जो power dissipation है वो कितना होगा, that is P average is equals to EC square by 2R because of this term, MA square EC square by 8R because of this term, square of this term over R, and square of this term over R, MA square EC square over 8R. So P average, the average value of power is equals to EC square by 2R is common out of, because this term is equals to MA square EC square by 4R, because denominator is same, so sum of the numerator is double, 2 is cancelled by 4, so this will be equals to MA square EC square over 4R, and when you take common EC square by 2R, then it is equals to 1 in place of this term, 1 in place of this term, and MA square by 2 in place of these two terms. So the average power dissipated by a transistor R, that is equals to EC square by 2R into 1 plus MA square by 2, where EC square by 2R represents the power dissipated by the carrier component alone. Cable carrier component jitni power dissipated karta hai, that is equals to EC square by 2R. Obviously, jo P average ki value hai, wo greater hai EC square by 2R ke, aur वो ग्रेटर है पीसी से, दैट इज पावर कंजप्टेड बाय द करियर कंपोनेंट, दैट इज पावर कंटेंट ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव एक्सीड दैट ऑफ द क्रोस्पोंडिंग अनमॉड्यूलेटेड वेव, ओके। दिस एडिशनल पावर सप्लाइड बाय द मॉड्यूलेटिंग सोर्स इन मॉड्यूलेटेड वेव फर्मेसिस द एनर्जी कंटेंट इन द साइड बैंड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव, इट इज द यूजफुल एनर्जी दैट कैरीज इंटेलिजेंस एंड इट्स रिलेटिव मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू एम ए स्क्वायर। केवल जो इंफॉर्मेशन है वो इस वाले कॉम्पोनेंट में कंटेंट है, इस वाले कॉम्पोनेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, जो इंटेलिजेंस को हम कन्वे करना चाहते हैं वो केवल इसमें है। द रेशो ऑफ द यूजफुल पावर कंटेंट in the sideband to the total power content into the modulated wave is P sideband or P average. Sideband mein kitni power contained hai aur average power kitni hai. To sideband ki power ko hum is tarah se likh sakte hain, EC square by MA square by 4R, the total power conjugate in to the sideband, this value, and the average we calculated here, EC square by 2R, 1 plus MA square by 2. EC square by 2R is cancelled by EC square by 2R, and we are left with MA square by 2 into the numerator and 1 plus MA square by 2 into the denominator. So this is the value of P sideband, that is power conjugate in the sideband, power contained into the sideband, and over the total average power. For 100% of modulation, अगर मॉड्यूलेशन 100% हुआ है तो फॉर 100% ऑफ मॉड्यूलेशन, दैट इज एम ए इक्वल्स टू 1, पी साइड बैंड ओवर पी एवरेज जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन हमें
सिखा रहा है पी साइड बैंड, जो पावर कंटेंट है साइड बैंड में, ओवर द एवरेज पावर इज इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर बाई टू ओवर वन प्लस एम ए स्क्वायर बाई टू। चूंकि अगर हम परसेंटेज ऑफ मॉडुलेशन 100% कह दें, यानी एम ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए, 1 हो जाए, क्योंकि एम ए की वैल्यू 1 होगी तभी जब क्या होगा, एम ए की वैल्यू, यहाँ देखिए एम ए की वैल्यू जब 1 थी जब भी परसेंटेज क्या था, 100% मॉडुलेशन टेक्स प्लेस था। तो 100% मॉडुलेशन अगर है तो फॉर द 100% ऑफ मॉडुलेशन दैट इज एम ए इक्वल्स टू 1, पी साइड बैंड ओवर पी एवरेज इज इक्वल्स टू, पुट एम ए स्क्वायर, एम ए इक्वल्स टू 1 इंटू दिस इक्वेशन, into this equation, put MA equals to 1. If you put MA equals to 1, then the numerator term is 1 by 2. And if you put MA equals to 1 here, then the denominator power is 1 plus 1 by 2. Then P sideband, that is power contained into the sideband over the average power, is equals to 1 by 2 plus 1 over 1 plus 1 by 2. And 1 plus 1 by 2 gives you 3 by 2, then 1 by 2 over 3 by 2 gives you 1 by 3rd. Then P sideband over P average is 1 by 3, and when you cross multiply it into the right hand side, then P sideband is equals to 1 by 3 of P average. Yani total power ka keval 1 bata 3 hissa, yani 1 tihai hissa average power ka sideband mein rehta hai. और बाकी जो दो तिहाई हिस्सा है, यानी 2/3 पार्ट है पावर का, वो एवरेज पावर का, वो कहाँ रहता है, करियर में रहता है, करियर कंटेंट करके रखता है उसे, करियर उसको यूज करता है। जो एवरेज पावर का 1/3 पार्ट है उसे ही केवल साइड बैंड यूज करता है। जो एवरेज पावर का 2/3, चूंकि 2/3 हिस्सा और बचा है, एवरेज पावर का केवल 1/3 हिस्सा ही तो पावर साइड बैंड ने कंजप्ट किया या कंटेंट किया, लेकिन जो 2/3 पार्ट है एवरेज पावर का वो तो अभी भी बचा हुआ है। वो कहाँ बचा हुआ है, करियर वेव में बचा हुआ है। इसीलिए ये जो मेथड हम यूज करें एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट मेथड नहीं माना जाता। इसके ऊपर फिर कुछ मैंने आपको बताया कि पहले हम इसमें करियर वेव को सप्रेस्ड करेंगे, फिर हम इसमें से एक साइड बैंड को भी हटाने की कोशिश करेंगे, वो आगे के टॉपिक से। पर फॉर द टाइम बीइंग अभी आप ये समझ सकते हैं कि साइड बैंड में जितनी पावर कंजम्प्ट है वो एवरेज, टोटल जो एवरेज पावर है उसका केवल 1/3 है। जो दो तिहाई हिस्सा अभी पावर का बचा हुआ है, एक तिहाई हिस्सा किसमें कंटेंट है, साइड बैंड में कंटेंट है, और जो दो तिहाई हिस्सा अभी बचा हुआ है वो कहां बचा हुआ है, वो करियर वेव यूज करती है। और करियर में तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, इंफॉर्मेशन तो साइड बैंड्स में है। तो जो दो तिहाई हिस्सा यूज हो रहा है वो पावर डिसिपेशन हो रहा है, कुल मिला के पावर का मिसयूज हो रहा है। एफिशिएंट नहीं है ये मेथड, अभी इसको एफिशिएंट बनाने के लिए भी कुछ काम करने पड़ेंगे। इस कंडीशन में आप इसे एफिशिएंट नहीं कह सकते, इस कंडीशन में आप इसे एफिशिएंट नहीं कह सकते। देखिए, दैट इज ओनली 1/3 ऑफ द टोटल पावर ऑफ द मॉडुलेटेड वेव इज कंटेन्ड इन टू टू साइड बैंड, द रेस्ट टू थर्ड पावर रिसाइड्स इन द करियर कॉम्पोनेंट विच इज ऑफ नो यूज। वो किसी प्रयोग के नहीं है, केवल साइड बैंड से हमें मतलब है। इंफॉर्मेशन कहां कंटेंट है, साइड बैंड में कंटेंट है, साइड बैंड के अलावा कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब कोई इंफॉर्मेशन कहीं नहीं है, यानी करियर पावर साइड बैंड में है केवल 1/3, और पूरी इंफॉर्मेशन है साइड बैंड में, और करियर जो करियर वेव है वो यूज करिए 2/3 पावर को, और उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ इसमें, तो बहुत ज्यादा पावर का लॉस हो रहा है। तो इसी कारण आगे जाके जो एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन का प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस किए गए, उसके कारण इसके जो पावर डिसिपेशन वाला जो फैक्टर है उसको डिक्रीज किया गया, और फिर एक बेहतर एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन का प्रोसेस हमारे सामने आया। ओके, केवल 1/3 पार्ट ऑफ द एवरेज पावर कैन बी यूज्ड बाय द साइड पावर, एंड द 2/3 ऑफ द एवरेज पावर इज वेस्टेड। यू कैन यूज दिस वर्ड वेस्टेड।
ओके तो आगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो प्रोसीजर है उसमें कुछ चेंजेस किए गए, कुछ परिवर्तन किए गए और एक बेहतर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का प्रोसेस हमारे सामने आया। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर नाउ।